अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में आयोजित बलवा परेड यानी दंगों को कंट्रोल करने के लिए कराई जा रही मॉक ड्रिल में टीयर गैस गन का शेल फटने से एक सिपाही जख्मी हो गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ADGP सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर सिपाही की कुशलक्षेम पूछी। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल बुधवार को भीलवाड़ा के वार्षिक निरीक्षण पे आए हुए। निरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार सुबह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शहर में होने वाले दंगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जवानों ने डेमो दिया था। इस दौरान भीड़ को भगाने के लिए टीयर गैस गन से फायर किया ही, ताकि इतने में एक शेल जवान सावन लाल की पीठ पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए इस हादसे से ग्राउंड में मौजूद पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। घायल जवान को तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। उधर हादसे के बाद ADGP बंसल, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के साथ ही पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायल सावन लाल की कुशलक्षेम पूछी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने कहा कि राइट कंट्रोल ड्रिल का जो डेमो चल रहा था, उसमें किसी स्टन सेल का कोई पार्टिकल एक जवान के लग गया, जिससे वह घायल हो गया। उसे एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी स्थिति पूर्णतया सामान्य है। ये डेमो जो चल रहा था राइट कंट्रोल ड्रिल का, तो उसमें किसी स्टन सेल का कोई पार्टिकल एक जवान के लगा है। जो सारा PMO साहब भी यहाँ पे हैं, उन्होंने अच्छी तरह देख लिया कर लिया है। तो जो सुपरफिशियल इंजरी है, वो इंजरी उसके आई है, और एहतियात के तौर पे उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा गया है। इज़ परफेक्टली नॉर्मल।